दोस्तों, विधानसभा के चुनाव का एग्जिट पोल गुरुवार को आ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो एग्जिट पोल आप पोल ने क्या क्या दावा किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए 230 सीटें में से। मैं अगर एग्जिट पोल आप पोल का जो दावा किया था 2023 में, अभी तो भाजपा को 122 सीटें, कांग्रेस को 103 और अन्य के खाते में 5 जा रही हैं। इन्होंने 2018 में ये दावा किया था कि भाजपा को 109 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 111 सीटें मिल रही थी और अन्य खाते में 10 जा रही है। लेकिन जब फाइनल नतीजा आता है 2018 में, तो भाजपा को 109 ही सीटें मिली, कांग्रेस को 114 सीटें मिली, अन्य खाते में 7 गई। मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो पूर्ण बहुमत के लिए वहाँ पर 199 सीटें हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत के लिए 100 सीटें किसी भी पार्टी को चाहिए। एग्जिट पोल आप पोल ने दावा किया है कि भाजपा को 106 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 82 सीटें मिल सकती है और अन्य खाते में 11 जाएगी। 2018 में वो एग्जिट पोल आप पोल ने दावा किया था कि भाजपा को 78 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 100 सीटें मिलेगी, वही अन्य खाते में 21 जाएगी। जब फाइनल नतीजा 2018 का आया तो भाजपा को 73 सीटें, वही कांग्रेस को 99 सीटें और अन्य के खाते में 27 सीटें गई थी। मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ तो वहाँ टोटल विधानसभा सीट 90 हैं, पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें चाहिए। एग्जिट पोल आप पोल ने दावा किया था कि भाजपा को 38 सीटें 2023 में मिलने वाली है, कांग्रेस को 49 सीटें मिलने वाली है, अन्य खाते में 3 जाएगी। और एग्जिट पोल आप पोल ने 2018 में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को 41 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 43 सीटें मिलने वाली हैं, अन्य खाते में 6 आएगी। जब फाइनल नतीजा 2018 का आया था तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, वही अन्य खाते में 7 आएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो एग्जिट पोल आप पोल ने अलग अलग राज्यों को लेकर ये दावा किया है कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। आप सभी अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।